नमस्कार दोस्तों, आज दो मसलों पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सौरभ भाई अभी थोड़ी देर बाद जो एक नया षड्यंत्र चल रहा है उस पर पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों एक खबर आई, खबर गुजरात से थी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जब अपना पर्चा भरा तो उनके प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति का पूरा हिसाब किताब ब्यौरा उसमें था। हिसाब किताब ब्यौरा यह था कि 5 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन 8 करोड़ के आसपास थी और इस बार जब उन्होंने अपना ब्यौरा दिया तो वो करीब 34 करोड़ के आसपास पहुंच गई। इसका मतलब हुआ कि 300% की वृद्धि उसमें हुई। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी आदमी किसी की भी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है और अगर कोई आदमी ईमानदारी से अपना धंधा कर रहा है, ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अगर अपना अपने पैसे बढ़ा रहा है, सरकार को इनकम टैक्स दे रहा है, टैक्स की कोई चोरी नहीं हो रही है और कोई इलीगल तरीके से पैसा नहीं बनाया जा रहा है तो उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी मुझे नजर नहीं आती। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर छपी, डीएनए की वेबसाइट पर छपी, आउटलुक हिंदी की वेबसाइट पर छपी और तकरीबन 2 घंटे के बाद वो खबर तीनों जगह से गायब हो गई। तो इसमें 2 सवाल हैं। क्या 300% की वृद्धि गलत तरीके से हुई है, बेईमानी से पैसा कमाया गया है, काला धन है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, जो उनकी आय के साधन है उसके मुताबिक वो फिट नहीं बैठते हैं, क्यों हटाया जाए? भाई अगर मैं ईमानदारी से अगर पैसा कमाता हूं तो कोई भी आदमी एजेंसी आके उसको चेक कर सकता है, उसको हटाने का कारण समझ में नहीं आ रहा। तो एक तो यह है कि वो हटी तीनों जगह से और ऐसे में प्रेस की भूमिका बड़ी संदिग्ध हो जाती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार, जैसी वेबसाइट, डीएनए जैसी जैसी संस्थान की वेबसाइट और आउटलुक, ये तीनों ही अपने आप में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, इन लोगों ने वो खबर क्यों हटाई और जो हटी उसका कहीं कोई कारण नहीं दिया गया। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह जी की जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स दिए गए थे वो गलत थे, उसकी स्क्रूटिनी ना हो पाए, जनता के बीच में उसकी जांच पड़ताल ना हो पाए इसलिए वो हटाया गया या हटवाया गया? अगर मीडिया ने विवेकपूर्ण तरीके से अपने स्तर पर अगर हटाया तो उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या उसकी सफाई वहां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी अपने पाठकों के प्रति होती, दर्शकों के प्रति होती। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए और आउटलुक ने किसी तरीके की कोई सफाई वहां नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि मीडिया के ऊपर दबाव डाला गया और दबाव में वो खबर हटवाई गई, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसका मतलब यह है कि मीडिया हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र नहीं है, वो अमित शाह की प्रॉपर्टी के डिटेल्स नहीं दे सकती या उसको नहीं देने दिया जा रहा। और अगर मीडिया इस देश के अंदर स्वतंत्र नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया पे एक ईमेल प्रसारित हुआ है, मुझे नहीं मालूम उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मुझे नहीं मालूम वो सच या गलत है। अगर वो सच है तो इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से स्थापित कर देता है कि दबाव के अंदर उस खबर को हटवाया गया, गिरवाया गया। और अगर उस ईमेल को अगर आप किनारे में रख दीजिए तो भी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन परिस्थितियों से 2 पादे बिल्कुल स्पष्ट है। एक, ऐसे क्या कारण है कि अमित शाह की 300% की संपत्ति की वृद्धि की खबर को हटाया गया? इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, अन्यथा हटाने का कोई कारण नहीं बनता है। और अगर नहीं,
कोई कारण है तो अमित शाह जी को सामने आना चाहिए और उनको सफाई देनी चाहिए। और दूसरा, मीडिया ने जिस तरीके से खबर गिराई है, हटाई है, वो भी अच्छी बात नहीं है। वैसे लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मीडिया लगातार सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को की खबरें उसकी आलोचना तो बहुत तीखे तरीके से छपती हैं, टीवी चैनल्स पे दिखाई जाती हैं, लेकिन सरकारों, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित खबर हो और अगर अमित शाह जी से संबंधित खबर हो तो कोई चू नहीं करता और कोई सवाल नहीं खड़े करता। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री अगर ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जैसा कि वो बार बार कहते हैं, तो जनता के बीच में आए और स्पष्ट करें कि वो 300% की जो वृद्धि हुई है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कैसे बढ़ी है, स्पष्ट करें उसको, और क्यों उसको हटवाने की जरूरत पड़ी है और क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों जब डिमोनेटाइजेशन का मामला आया था तो गुजरात में कोई रमेश शाह नाम के आदमी का नाम सामने आया था, जिन्होंने क्लेम किया था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी चीजें उनके पास है और अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तो उस वक्त भी अमित शाह जी का नाम और उनसे नजदीकी उछली थी और कभी किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। और दूसरी बात, हम मीडिया से यह निवेदन करते हैं कि वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएं, सरकार के दबाव में काम न करें, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आज मोदी जी की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, तब जनता उनसे सवाल पूछेगी और वैसे आज भी सवाल पूछ रही है, वो निष्पक्ष अपनी भूमिका निभाए। सौरभ, दो तीन दिन से कुछ खबरें चल रही हैं और कुछ पत्रकार भी इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने की कोई योजना या कोई साजिश चल रही है। हमारे संज्ञान में भी कुछ बातें आ रही हैं कि DERC के अंदर शायद इस बात पे सोच चल रही है कि क्या बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, और बिजली की कंपनियों ने DERC को कहा है कि उनको घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसलिए दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि 2011 से लगातार हर साल दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ते थे, मगर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, हमने दिल्ली के अंदर बिजली के दामों को नहीं बढ़ने दिया है। बिजली के दाम बढ़ाने की जो रिकमेंडेशन है, ये DERC नाम का एक रेगुलेटर है, वो करता है, मगर एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत भाजपा के इशारों पे LG साहब ने दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त DERC के चेयरमैन को उनके पद से हटा दिया था और इस समय सिर्फ एक मेंबर है जो DERC के अंदर है, और बड़े ही गैर संवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से सिर्फ एक मेंबर ही DERC का, जो वो मेंबर है जो शीला दीक्षित जी के, हमारी सरकार के आने से पहले उसको नियुक्त किया गया था, LG ने नियुक्त किया था, उसके जरिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। एक मेंबर जो DERC का है उसके बलबूते दिल्ली के अंदर दाम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी कि इस तरीके की भाजपा की कोई भी साजिश कामयाब ना हो पाए, और मुझे लगता है कि इस बात को भी बल मिलता है कि इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर MCD में अगर भाजपा आएगी तो बिजली के दाम और पानी के दाम बढ़ाने की साजिशों को बल मिलेगा। दूसरा जो मामला है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के संदर्भ में है। बहुत कम अखबारों के अंदर ये बात छपी कि इस महीने जुलाई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने RTI के तहत ये जवाब दिया है कि उनके यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी थी जो विधान परिषद के चुनाव के दौरान, जिला परिषद के चुनाव के दौरान
जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे बटन दबाया जा रहा था जिनका नारियल चुनाव चिन्ह था, तो जो लाइट थी वो भाजपा के आगे जल रही थी। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो लाइट जलने का जो प्रावधान है, अगर आप पढ़ेंगे उसका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, बुलेटिन पढ़ेंगे उनका, तो वो ये कहता है कि जब आप कोई बटन दबाते हैं तो वो जो वोट है जिस पार्टी का आपने बटन दबाया, वो वोट दूसरी मशीन में जाके उस पार्टी के आगे जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद एक सिग्नल वापस आता है और लाइट जलती है। लाइट इस बात को जला के बताया जाता है कि ये वोट जो आपने जहां डाला उसी जगह वोट चला गया, इसलिए जहां पे वो वोट गया है वहां की लाइट जलती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने बटन दबाया तो बटन के सामने वाली लाइट दबनी है, ऐसा नहीं है। जो प्रावधान है मशीन का वो ये है कि आपने बटन दबाया, वोट उस बटन दबने वाली पार्टी के खाते में जुड़ी और वहां से वो सिग्नल आया वापस और लाइट जली, जिससे आपको पता चला कि ये वोट वहां पे जमा हो गई जहां का बटन आपने दबाया। और अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का वोट, मतलब नारियल के सामने वाला बटन अगर आप दबा रहे हैं और लाइट अगर कमल के आगे वाली जल रही है, इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाला वोट कमल के अंदर जुड़ रहा है। कई लोग इस बात का बार बार इस पर व्यंग करते रहे कि आम आदमी पार्टी बेवजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा बार बार उठा रही है और हर बार हमारी इस बात को बल किसी ना किसी सत्य घटना के ऊपर इसको मिलता है। इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है वो भी बेहद हास्यास्पद जवाब है। वो दो पेजों का जवाब है मगर उस जवाब के अंदर कहीं पे इस बात का जवाब नहीं है कि उस मशीन में क्या खराबी थी। वो जवाब लंबा चौड़ा जवाब है कि इतनी सारी मशीनें इस्तेमाल हुई थी, सिर्फ उसमें एक ही मशीन ऐसी थी जिसमें कोई तकनीकी खराबी थी, मगर ये समझाया नहीं गया है कहीं पे कि तकनीकी खराबी क्या थी। क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन जो है ये कहता है कि हमारी मशीनें जो हैं वो टेम्पर प्रूफ है, मतलब उसके हार्डवेयर के अंदर कोई खराबी नहीं की जा सकती। और अभी अभी पिछले हफ्ते अमेरिका के अंदर जो इस्तेमाल करने वाली ईवीएम मशीन्स हैं उसके ऊपर हैकेथन का एक आयोजन कराया गया और उस हैकेथन के अंदर भी ये बात साबित हुई कि वो मशीनें जो अमेरिका के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं इलेक्शन के अंदर, जहां 30% के करीब ऐसी ईवीएम्स इस्तेमाल होती हैं, उनको भी साधारण छात्रों ने हैक करके दिखा दिया, वायर्ड तरीके से, वायरलेस तरीके से, और तीसरा तरीका जो हम बार बार बोलते हैं कि मशीन को खोल के उसके हार्डवेयर के अंदर तब्दीली करके, तीनों तरीकों से दिखाया जा सका कि उस मशीन को टेम्पर किया जा सकता है और हैक किया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी अपनी उस डिमांड को दोबारा दोहराती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ पेपर ट्रेल जरूरी लगे, और पेपर ट्रेल सिर्फ लगे ही नहीं, उन पेपर ट्रेल्स की गिनती को टैली किया जाए ईवीएम की गिनतियों के साथ, तभी यह बात साबित हो सकती है कि क्या पेपर ट्रेल की जो गिनतियां हैं और जो ईवीएम की गिनती है वो एक समान है या नहीं। धन्यवाद।